नमस्कार, मैं हूँ गीता गुप्ता। एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत है। सानपाड़ में पल्स इमेजिंग सिटी स्कैन सेंटर का उद्घाटन विधायक वंदा मात्रे के हाथों से हुआ। इस दौरान उनका 60वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। नवी मुंबई करों का कम दरों में आरोग्य सेवा देने की बात उन्होंने कही। सानपाड़ नवी मुंबई में पल्स इमेजिंग सिटी स्कैन सेंटर का उद्घाटन बेलापुर विधायक मंदा मात्रे के हाथों से हुआ और पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार किया गया। तो प्रमुख अतिथि विधायक मंदा मात्रे के साथ ही में आयकर विभाग के सह आयुक्त डॉक्टर संतोष मानकोसकर, नगर सेविका रुचा पाटिल, नगर सेविका संगीता साथी में पल्स इमेजिंग सिटी स्कैन सेंटर के संचालक मंडल, कर्मचारी वर्ग व नागरिक उपस्थित रहे। तो इस दौरान विधायक मंदा मात्रे इनका 60वां जन्मदिन केक काट कर मनाया गया। तो इस पल्स इमेजिंग सेंटर का सिटी स्कैन विभाग की सभी जानकारी समझकर इस सेंटर के माध्यम से नवी मुंबई में नागरिकों की आरोग्य सेवा सहूलत कम दरों में उपलब्ध करके देने की बात विधायक मंदा मात्रे इन्होंने कही। ऐसा है कि आरोग्य सेवा ही ईश्वर सेवा असं आपण नेहमीच म्हणतो, आणि आरोग्य सेवेच्या माध्यमातूनच आपण लोकांची सेवा करून त्यांचं आपण आशीर्वाद घेतो। पूर्वी देवानंतर डॉक्टरच एक ज्याचा आपण डॉक्टरला देवच मानायचं पूर्वी, आता ती सगळ्या कल्पना दूर होत चालले। पण पूर्वी कसं डॉक्टर सांगतील तेच आपण ऐकायचं, डॉक्टर म्हणाले नाही असंच केलं पाहिजे तर आपण ईश्वर सेवा समजायचो। आणि ह्या लोकांनी जे व्यंकटेशजी आहे त्यांचे सहकार्य यांनी खूप चांगलं काम इथं केलेलं आहे। मी मागेसुद्धा आली होती त्या उद्घाटनला, आजही आलेले आहे आणि हळूहळू हे वाढत चाललेलं आहे। लोकांचा प्रतिसाद चांगला आहे। मगाशी आपण सांगितलं की आम्ही जरा सेवा स्वस्ती द्या आमच्या लोकांना, एकदम मिडल क्लासची लोकं आहेत, पेशंटची एवढी परिस्थिती नाही की सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आपल्याला माहिती आहे तिथे गेलं पहिले 50 ना 1 लाख मिळते। अशावेळी आपण हे जे काम सुरू केलं ते मशीन आणलं अतिशय सानपाडाकरांसाठी खरोखरच एक चांगलं तुम्ही काम केलेलं आणि त्यामुळे मनापासून मी तुम्हा सगळ्या ग्रुपला धन्यवाद देते। भविष्यात काही गरज लागली तुम्हाला आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, म्हणजे त्या आरोग्याच्या बाबतीतसुद्धा अनेक गोष्टी आम्ही आपल्याला मदत करू शकतो। त्या पद्धतीने आपण इथे काम करता, ते काम करताना एकच भावना तुमच्यामध्ये असली पाहिजे, ती म्हणजे लोकांना जी सेवा देतो आपण ती सेवा चांगली सेवा आणि त्याच्यामध्ये कमी पैशात सेवा ही जर दिली तर मला वाटतं बरं वाटेल। मी इथे त्याचसाठी सांगण्यासाठी खास आहे। नवीन वर्षात आणखीन चांगल्या गोष्टी आपल्या हातून घडवू एवढीच मी शुभेच्छा देते। नवी मुंबई करों को आरोग्य सुविधा सस्ते दरों में उपलब्ध होने की एक नई किरण दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कांबले की रिपोर्ट, एमवीटीवी। एरोली में नवी मुंबई कर प्रतिष्ठान की ओर से आगरी कोली महोत्सव का आयोजन जोश खरोश के साथ हुआ। तो जहां भाजपा विधायक बंदा मात्रे इन्होंने अपनी हाजिरी लगाई और कई महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से कही। नवी मुंबई में विभिन्न जात संप्रदाय और विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। सभी अपनी संस्कृति को प्रथा के अनुसार पूरा करते हैं। यही परंपरा आगे की पीढ़ी इसी तरह चलाते रहे, जिसके लिए आगरी कोली समाज दर्शन के लिए एरोली में नवी मुंबई कर प्रतिष्ठान की ओर से आगरी कोली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक एडवोकेट रवि पाटिल रहे। तो इस आगरी कोली महोत्सव में बेलापुर विधायक मंदा मात्रे इन्होंने भी शिरकत की और इस दौरान उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार किया गया। तो उपस्थित लोगों से संवाद साधते हुए विधायक मंदा मात्रे इन्होंने आयोजक की सराहना की है। कार्यक्रम आले आणि ते बघून मला इतका आनंद झाला की येता येता पहिली बैल गाडी जी आपली शेतात आपण घेऊन जायत होते बैल गाडी बघायला मिळाली। नंतर कोळी समाजाचे खेकडे घेतलेले कोळी आणि महिला भगिनी बघायला भेटल्या। मातेचं मंदिर बनवलेलं आहे, खूप आनंद वाटला। पाटील, मी खरोखरच मनापासून तुम्हाला धन्यवाद देते। कार्यक्रम करणं सोपं नसतं, कारण मी दरवर्षी असे महोत्सव करते तर मला माहिती आहे कार्यक्रम करताना किती मेहनत घ्यावी लागते आणि त्याच्यातूनच इतका लोक समूह आपण जमला त्याबद्दल मनापासून सर्वप्रथम मी आपल्याला धन्यवाद देते। मी आज आपल्याला एवढंच सांगेन की जे काही समाजाचे प्रश्न आहेत ते सुटल्याशिवाय माझ्या कारकिर्दीत राहणार नाही। अजून मला 2च वर्ष झालेली आहेत, या 2 वर्षांमध्ये आपल्या सर्वांचा आवाज म्हणून मी विधानसभेमध्ये आपले प्रश्न मांडत असते। भारतीय जनता पार्टीने आपल्याला कोळी समाजाला आता जाळी फ्री केलेली आहे। तुम्हाला बायोमेट्रिक कार्ड मी परवाच वाटप केलं, अनेक लोकांचे फॉर्म भरून घेतले,
त्या 2 लाख रुपये तुम्हाला अपघात झाला तर ताबडतोब विमा मिळणार आहे, 1 लाख राज्य शासन, 1 लाख केंद्र शासनाचा, आणि छोटासा अपघात झाला तर 50,000 मिळणार आहे. अनेक आपल्या समाजामध्ये मिळणाऱ्या ज्या योजना आहेत त्या आता घराघरापर्यंत पोहोचत आहेत. पहिल्यांदाच नव्या मुंबईमध्ये बायोमेट्रिक कार्डचं जे विटाव्यापासून दिवाळा गाव आणि पनवेलपर्यंतचे माझे सगळे कोळी बांधव, आत्ताच गेला 8 दिवसापूर्वी कार्यक्रम वाचील झाला, त्याच्या अगोदर आम्ही 14 कार्ड वाटप केले, त्या दिवशी 1700 लोकांनी फॉर्म भरला. तर सातत्याने आपण आपल्या लोकांसाठी आवाज उठवत असतो, पण या आवाजामध्ये तुमचं प्रेम आहे, तुमचं सहकार्य आहे, आणि म्हणूनच मी इतकी मोठी उंच उडी घेऊ शकते. नाहीतर तुमचं प्रेम आणि सहकार्य नसतं तर मी आज इथपर्यंत मजल मारू शकली नसती. त्यामुळे मी पाटील यांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद देते, त्यांच्या सगळ्या टीमचं धन्यवाद देते. या कार्यक्रम करणं इतकं सोपं नाही, मी गेली 21 वर्ष कार्यक्रम करते, मला माहिती आहे कार्यक्रमाची किती मेहनत घ्यावी लागते, पण मी त्यांच्या सहकार्याने पण मनापासून शुभेच्छा देते. आणि नवीन वर्ष आपल्या सर्वांना सुख समृद्धी भरभराटीचं, मनाचा सगळ्या आकांक्षा पूर्ण हो एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कई कार्यक्रम का लाभ नवी मुंबईकरों ने लिया है और तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया गया है और तो आगरी कोली समाज को एकत्र करने का कार्य इस कार्यक्रम के माध्यम से होने की बात भाजपा विधायक मंदा मात्रे इन्होंने व्यक्त किए हैं. नवी मुंबईकर स्वस्तरी केलेलं आहे. मी पाटलांचं कमी पडणार नाही आणि उत्तम नियोजन, अतिशय मनापासून धन्यवाद. नवी मुंबईकर प्रतिष्ठान की ओर से आगरी कोली महोत्सव का आयोजन ये एक अच्छा आयोजन रहा और इसी तरह परंपरा को आगे की जनरेशन बढ़ाए यही आशा व्यक्त करते हैं. वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत कापसी की रिपोर्ट, MVTV. बेलापुर विधायक मंदा महात्रे के 60वां जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न सामाजिक उपयोगी कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इसी संबंध पर नेहरू सेक्टर 10 में 22 जनवरी के दिन लोकगीत और हल्दी कुंकू समारोह का आयोजन हुआ, जहां विधायक मंदा महात्रे उपस्थित होकर सराहना किए इस कार्यक्रम की. बेलापुर विधायक मंदा महात्रे के 60वां जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न सामाजिक उपयोगी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो इसी संबंध पर नेहरू सेक्टर 10 में 22 जनवरी के दिन लोकगीत और हल्दी कुंकू समारोह का आयोजन हुआ, तो जहां कार्य सम्राट विधायक मंदा महात्रे इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्शाई. तो इसी के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत, नेहरू अध्यक्ष भाजपा राजू तिकोन, मान्यवर महिला बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. तो इस दौरान भाजपा विधायक मंदा महात्रे इन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया और उन्हें हल्दी कुंकू लगाया गया, तो उन्होंने दूसरी ओर उपस्थितियों को हल्दी कुंकू लगाए. तो इस दौरान विधायक मंदा मात्रे इन्होंने आयोजक द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की है. मला आठवतो की मी ज्यावेळी निवडणुकीला उभी होती त्यावेळी सुद्धा आपण इथे कार्यक्रम घेऊन आपण या सगळ्या महिलांसमोर मला आणून सगळ्यांना आपण सांगितलं होतं की ताईला मदत करा, आणि या सगळ्या ताई यांनी सगळ्यांनी मला मदत केली, आशीर्वाद दिला, आणि आज मी त्यांच्या समोर उभी आहे. यांच्या प्रेमामुळेच उभी आहे. हळदी कुंकूचा कार्यक्रम होऊन गेलेला आहे, म्हणजे संक्रांत संपले तरी पण वर्षानुवर्षे आपण हळदी कुंकू एकमेकीला देत असतो. आपल्या घरी जरी कोण आलं तरी आपण एकमेकीला हळदी कुंकू देऊन, साखर देऊन मदत पाठवतो. पण तुमच्या इथल्या उपस्थितीमुळे मिळतो, त्यामुळे मी मनापासून धन्यवाद देते. असंच प्रेम आपला आमच्यावर राहू द्या, असाच आशीर्वाद राहू द्या, एवढंच बोलते. आणि या सर्व कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देते. तो उपस्थित महिलाओं ने विधायक मंदा मात्रे के कार्य की प्रशंसा की है. मकर संक्रांत होऊन गेली की असं त्यानिमित्ताने इथे सेक्टर 10 मध्ये हळदीकुंकू ठेवलेले आणि त्याला काहींची पावलं लागली आहे. लक्ष्मी स्वरूपाने झाल्या त्या हळदीकुंकूचा मान खूप महत्वाचा असतो सुवासिनीसाठी, पण त्याचबरोबर सुवासिनीला मी 4 शब्द सांगू इच्छिते. आज आपण इथे मंदाताईंना आपला आदर्श म्हणून बोलवलं असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. त्या आमदार तर आहेतच आणि यशस्वी आमदार आहेत, ज्यांच्या समोर त्या जिंकून आल्या आणि त्यांच्या त्या लढतीला मी काय बोलू. आणि त्यांचाच आदर्श घेऊन आम्ही पुढे कार्यपद उठवतो आहे, आकारतो आहे तसा.
स्त्रियांसाठी बरेचसे कार्यक्रम आतापर्यंत भाजपने आणलेले आहेत. बरेचसे जे काही आता नव्याने आलेले आहेत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ किंवा घरकुल योजना आहे, या बऱ्याचशा योजना आपल्या दारापर्यंत आल्या. फक्त त्यांना घरात घ्यायचं काम तुम्हाला करायचं. या पुरुषांबरोबर खांदा खांदा खांद्याला खांदा लावून आपल्याला पुढे जायचं आहे. आणि तिथे स्त्री म्हणून कुठेही कमी पडायचं नाही, तिथे नारी शक्ती दाखवायची आहे. आणि जे काही 50% आरक्षण महिलांसाठी आहे ते घेऊनच ठेवायचं आहे. तुमच्याकडून हीच एकजूट हवी आहे आणि भविष्यात सुद्धा अशाच पद्धतीचे कार्यक्रम व्हावेत. ताईंना तिथे जरूर निमंत्रण दिलं जावं, कारण ते आदर्श आहे. त्या ज्या पद्धतीने स्त्री म्हणून लढल्या त्याबद्दल मी हॅट्स ऑफ केलेलंच आहे. आणि भविष्यात आम्ही त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालू असं मी त्यांना वचन देते. कार्य सम्राट विधायक मंदा मात्रे इनके जन्मदिन के अवसर पर लोकगीत लगाए गए तो जिसका आनंद सभी ने उठाया है. सूरज कांबले की रिपोर्ट, एमवीटीवी. शनिवार के दिन नेरुर स्थित श्री गणपति अय्यप्पा मंदिर में अष्टबल ब्रह्म कलश महोत्सव का आयोजन हुआ. भाजपा विधायक मंदा मात्रे इन्होंने यहां शिरकत की. शनिवार नेरुर बस डेपो के नजदीक के श्री गणपति अय्यप्पा दुर्गा देवी मंदिर में अष्टब्रंद ब्रह्म कलश महोत्सव का आयोजन हुआ. इस दौरान भाजपा विधायक मंदा मात्रे, देवानंद स्वामी, महापौर सुधाकर सोनावने, मंदिर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. विधायक मंदा मात्रे के स्वागत के लिए पैरों तले फूल बरसाया गया तो इस दौरान विधायक मंदा मात्रे इन्हें शॉल पहनाकर पुष्प गुच्छ देकर व मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया. तो इस दौरान केरला समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. तो अय्यप्पा इनका पूजन विधायक मंदा मात्रे के हाथों से किया गया. तो उपस्थित लोगों से संवाद साधते हुए इन्होंने कहा कि मंदिर के प्रति उनका योगदान रहेगा और तो उन्होंने सेट्टी समाज की सराहना की है. जिन्होंने आके यहाँ पर भूमि पूजन किया था वो हमारे गुरुदेव देवानंद स्वामी जी यहाँ पर आए. मैं उनका दिल से और नवी मुंबई की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. नई साल की शुरुआत हम करते जाने क्यों कर रहे हैं तो गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर हम नई साल इस बार मना रहे हैं और हमारे गुरुजी यहाँ पर आए. उनको धन्यवाद देती हूँ कि आप ऐसे ही हर साल आइए. हमारी हिंदू और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे जो है वो नवी मुंबई में सभी लोगों ने यहाँ पर अलग अलग जगह अय्यप्पा का मंदिर बनाया है. माँ गणपति माँ दुर्गा का मंदिर हमारे सीबीडी में है, नेरुल में, यहाँ पर भी हो रहा है. मुझे खुशी है कि ये जो सेटी लोग जो मैंगलोर से आए बहुत काफ़ी लोगों ने मेहनत की. मुंबई में महाराष्ट्र में इनका काफ़ी समाज का योगदान है. ये जब आए तभी छोटा छोटा काम करके आज बड़े बड़े होटल के मालिक हुए. मगर काफ़ी मेहनत की, लोग ने मेहनत करके आज जो इस मुकाम पर पहुँचे, जो इस मंच पर बैठे महाराष्ट्र में नवी मुंबई में काफ़ी हमारे सेट्टी ग्रुप रहते हैं. मुझे खुशी इस बात की है कि आपकी जन्मभूमि मैंगलोर है मगर कर्मभूमि महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र ने हमेशा आपको प्यार किया है, आपको सपोर्ट किया है, आपको साथ दिया है. चाहे आपके कोई भी प्रोग्राम हो, महिलाओं के प्रोग्राम हो, महिला के हमेशा प्रोग्राम होते रहते, मैं उसमें जाती रहती हूँ. यहाँ पर सबसे ज़्यादा 70% हमारी महिला बहनें यहाँ बैठी है और सभी हर मंदिर में एक कलर के कपड़े पहनकर आकर काम करती, उसकी मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे संस्कार संस्कृति सब जतन करने का काम हमारी महिलाएं करती है. आज के दिन मैं सभी आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ, नए साल की शुभेच्छा देती हूँ और इस मंदिर में जो भी योगदान लगेगा मैं अध्यक्ष है के शेट्टी उनको कहती हूँ मैं जरूर दूंगी.
अष्टबन ब्रह्म कलश महोत्सव में मंगलमय वातावरण निर्मित हुई तो ऐसी बात भाजपा विधायक मंदा माथे इन्होंने कही। भूमि पूजन जब हुआ तभी महागणपति माँ दुर्गा और स्वामी अयप्पा जी का तभी से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और नवी मुंबई में ऐसे मंदिर बन रहे हैं उससे अपनी भारत की संस्कृति और संस्कार का जतन हो रहा है। आने वाले पीढ़ी को हमारे जो छोटे बच्चे उनको पता होना चाहिए कि ये अभी फास्ट है अपना लाइफ में हमारा भगवान भी क्या है और जिधर जिधर ये धार्मिक स्थल बन रहे हैं उधर उधर हम लोग जाके हमारे जो संस्कार को संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे गुरु जी जो आए हैं देवानंद जी उनके आशीर्वाद से ही आज नए साल की शुरुआत यहाँ हो रही है और हमें बहुत खुशी है कि ये जो शेट्टी लोग हैं काफी मेहनत से इधर तक पहुँचे हैं। आधुनिक युग में श्रद्धा और प्रथा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है जो कि बेहद ही सराहनीय बात है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रनीत कापसी की रिपोर्ट NVTV। नेहरू रामलीला मैदान सेक्टर 12 में कौथिक इस उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन हुआ। 20 से 29 जनवरी 2017 तक ये उत्तराखंड महोत्सव चलने वाला है तो जहाँ विधायक मंदा माथे इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्शाई। नेहरू रामलीला मैदान सेक्टर 12 में कौथिक इस उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन हुआ। 20 से 29 जनवरी 2017 तक ये उत्तराखंड महोत्सव चलने वाला है जहां विधायक मंदा माथे इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्शाई तो इसी के साथ महामंत्री दीपक वैद्य संबंधित कार्यक्रम के आयोजक कर्मचारी सहित अन्य मान्यवर उपस्थित रहे। तो इस दौरान सर्जिकल स्ट्राइक का तमाशा दिखाया गया तो जवानों के वेशभूषा धारण कर भाजपा विधायक मंदा माथे का स्वागत इस पद्धति से की गई तो गाने गाकर व नृत्य पेश कर उत्तराखंड की प्रथा को पेश किया गया। इस दौरान झारखंड के नागरिक उपस्थित रहे और महिला बच्चे बड़ी संख्या में भाग लेते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिए। इस साल कौथिक 2017 का 10वां साल रहा। इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कला देखने को मिली तो जहां इस कार्यक्रम का आनंद नवी मुंबई करों ने ज्यादा उठाया है। सूरज कामली की रिपोर्ट NVTV। नए दौर के साथ ही में नए फैशन कपड़े का ट्रेंड काफी चल रहा है जिसके लिए सीबीडी बेलापुर में ओमकर मेंसवेयर शॉप का उद्घाटन हुआ। नागरिकों को पसंद आने वाले नए ट्रेंड इस शॉप में आसानी से उपलब्ध होंगे। नई दौर के साथ ही में नए फैशन कपड़े का ट्रेंड भी इन दिनों काफी मशहूर चल रहा है। इसी के अंतर्गत सीबीडी बेलापुर और आसपास के नागरिकों को अत्याधुनिक कपड़े आसानी से उपलब्ध हो जिसके लिए सीबीडी बेलापुर में ओमकार मेंसवेयर नाम के अत्याधुनिक कपड़े के दुकान का उद्घाटन रविवार को हुआ। ओमकार शॉप में पुरुषों के लिए विभिन्न पद्धति के कपड़े डिजाइन और कलर के कपड़े उपलब्ध है। खास बात इस शॉप की ये रहेगी कि क्वालिटी और गारंटी के विषय पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि स्टाफ बेहद ही फ्रेंडली है। एक बार इस दुकान में आए और नई वैरायटी को देखे ऐसी बात दुकान के मालिक अवजी पटेल इन्होंने की। ओमकार शॉप फिर हमारा सीबीडी के अंदर ओनली फॉर हम लोग खाली मेंस के लिए खाली मेंस स्टूडियो बनाया हुआ है। यह हमारे को मेंस का A to Z शादी से लेके ऑफिसर चॉइस ऑफिसर से लेके सब मेंस वेयर रखने वाले हैं और बहुत सारी वैरायटी है सब ब्रांडेड क्वालिटी है और आदमी का हर एक चॉइस का यहाँ कपड़ा मिल जाएगा। यहाँ है समझो ट्राउज़र है ब्लेजर है बरमूडा वगैरह है नाइट वेयर वो सब A to Z मिल जाएगा। यहाँ पर जीन्स मिलेगा जीन्स शर्ट मिलेगा टी शर्ट मिलेगा सब कुछ है सब यहाँ मिल जाएगा। लोगों को बस लोगों को हम लोग ये अपील करेंगे भाई हमारे एक बार हमारा ओमकार मेंसवेयर के अंदर आके आप विजिट मारिए 100% आपको कोई ना कोई चीज़ नहीं भी आएंगे विजिट मार के जाएंगे तो भी कोई ना कोई चीज़ आपको उसमें से पसंद आ जाएगी। इधर हम लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं और लोगों को अच्छे से अच्छा क्वालिटी दे के अच्छे से अच्छा कॉन्फिडेंस होएगा ऐसा हम लोग क्वालिटी देना चाहते हैं और एक बार यहाँ विजिट मारेंगे तो उनको 100% सेटिस्फेक्शन होएगा वैसा हम लोग उसको मेंस का स्पेशल वेयर यहाँ दे देंगे। मेरा नाम मावजी पटेल है।
यस, शॉप के ओनर है, यस। दुकान के संदर्भ पर आनंद व्यक्त करते हुए ग्राहकों ने कहा कि नेरुल फाशी में नए और अच्छे डिजाइन के लिए कपड़ों की खरीदारी करने के लिए जाना पड़ता था, परंतु अभी आसानी से उपलब्ध होने पर उन्होंने समाधान व्यक्त किए हैं। एकदम सुंदर है, आमचे या सेक्टर मध्ये इनफैक्ट अशा टाइपचं दुकान हमारा पाहिजे होतं। मी याच सेक्टर मध्ये राहतो, झाले 20 वर्षापासून मी त्यांना ओळखतो, चांगलं आहे, खूप अभिनंदन त्यांचं, आणि त्यांचं दुकान चांगलं भरभराट चालू। आमच्या सेक्टरमध्ये मेन्ससाठी चांगलं शॉप नव्हतं, आम्हाला वाशी किंवा मुंबईला जायला लागायचं, पण आता इथे शॉप आल्यामुळे आम्हाला सगळ्या सीबीडी वासियांना चांगलं झालं। ओमकार मेन्सवेअर, मेक युअर मूव, आपके सेवा में है। शांतिवन सोसायटी, शॉप नंबर 4, सेक्टर 6, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, इन जगहों पर उपलब्ध है। एक बार आए इस शॉप पर और आने लीजिए नए डिजाइन के कपड़ों का। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत के साथ राज MVTV। तो आज के समाचार में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए MVTV।